हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विश्व संवाद केंद्र न्यास हरियाणा द्वारा ब्रह्मांड के आदि पत्रकार देवऋषि नारद जी की जयंती पर जनेंद्रा गुरुकुल स्कूल सेक्टर एक में आयोजित 8वें राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को तथ्यों के आधार पर पत्रकारिता करनी चाहिए और सकारात्मक खबरों को भी प्रमुखता से छापना चाहिए ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर विज ने विश्व संवाद केंद्र न्यास हरियाणा को अपने स्वैच्छिक कोष से 10 लाख रुपए की राशि दान देने की घोषणा की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा, पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरत, प्रांतीय स्वयं सेवक संघ प्रचारक विजय कुमार, इंजौर व्हाइट हाउस MD व समाज सेवी संतराम शर्मा ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सपना देखा है जो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ना सोचा और ना ही करने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया और ना ही इस दिशा में कोई कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित देशों की सूची लाने के लिए साल 2047 तक भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकालकर विकसित देशों की सूची में दर्ज कराने का जो सपना देखा है वह उल्लेखनीय कदम है। आज हम सबको यह चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इस अवसर पर विज ने कहा कि हरियाणा में रहना है तो गलत काम करना छोड़ने पड़ेंगे और अवैध तरीकों से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और अपराधियों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरों का संचालित करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत गुरुग्राम, करनाल और अब अंबाला में शीघ्र ही नई तकनीक के CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्होंने डायल 112 को शुरू करवाया ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। आज इनका घटना स्थल पर पहुंचने का समय लगभग 8 मिनट है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसलों को पस्त करने में वर्तमान राज्य सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करके नई व्यवस्थाओं को लाने का काम किया है। वर्ष 2023-24 में चिरायु आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है जिनकी PPP में वार्षिक सत्यापित आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मीडिया के प्रति सकारात्मक सोच है। मीडिया बंधुओं के कल्याण उत्थान के लिए पेंशन स्कीम, जीवन बीमा योजना, कैशलेस मेडिक्लेम योजना, उपमंडल स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता देना, जिला स्तर पर मीडिया सेंटर्स बनाने तथा एक्रेडिशन के साथ साथ रिकॉग्निशन देने की भी घोषणा की गई थी। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि मीडिया और सरकार का गहरा नाता होता है। मीडिया के निष्पक्ष एवं संतुलित व्यवहार, लेखन या प्रसारण का सीधा लाभ जनता को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया का पहला दायित्व विश्वसनीयता बनाए रखना तथा पत्रकारिता के सच्चे आदर्शों का पालन करना है। इंटरनेट और सूचना के अधिकार ने पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। मीडिया आज और अधिक सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावशाली हो गया है। संचार क्रांति ने पत्रकारिता को बदल दिया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इससे पत्रकारिता और अधिक प्रभावशाली हो गई है। आम जन अब जर्नलिस्ट के लिखे आर्टिकल या खबर को ऑनलाइन मीडिया पर शेयर करते हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने तो हर व्यक्ति को सिटीजन जर्नलिस्ट बना दिया है। व्यक्ति स्वयं ही लेखक, संपादक, प्रकाशक एवं वितरक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने तो युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, लेकिन सोशल मीडिया का प्रयोग भी समाज हित में और राष्ट्र हित में होना चाहिए। सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने तथा भाईचारे की भावना को बढ़ाने में भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
इस अवसर पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनिल आर्य, जगदीप शर्मा, सारिका राजेंद्र फोर्क, पूजा शर्मा पत्रकारों को मोमेंटो व शाल पहनाकर उनका सम्मान व हौसला अफजाई की। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार मारकंडे, लक्ष्मी नारायण, अंकित दुदानी, परमजीत, सुमंतो, राजेश विक्रांत, हरीश वशिष्ठ, संजीव सुरेंद्र तथा पूरे हरियाणा के पत्रकार परिवार उपस्थित था। और श्री विजय जी जो कि हमारे प्रचारक हैं, और भी हमारे जो भी स्टेज हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं। हमारे कुलभूषण जी जो कि पंचकुला के, और सब के जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और सारे हरियाणा से आए हुए हमारे पत्रकार भाई और बहने, आज हम जिस नारद मुनि जी की जयंती पे यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका मौका हमें जो है आरएसएस का जो विभाग है, प्रचार विभाग, रजेश जी ने आज हमें उपलब्ध कराया है। वैसे हम कहते रहते हैं कि समाज में जो चलाने के लिए समाज को एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसमें चार स्तंभ हैं। आज हम जो है पत्रकार भाइयों के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हमने रखा है। मैं पत्रकार भाइयों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भी बहुत बहुत ही परिस्थिति अनुकूल ना होते हुए भी अपने कार्य को जो अंजाम देते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये रात नहीं देखते दिन नहीं देखते, जब भी कहीं से कोई ऐसी खबर इनको मिलती है, सबसे पहले और सच्ची न्यूज हमारे पास पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। हम इनको साथ लेकर चले। आरएसएस की जो प्रचार विभाग ने ये प्रयास किया है, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। समय समय पे ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और इनको जो है हौसला तभी मिलेगा जब हम इनके साथ बैठ के इनकी इनके परिवार की और इनकी स्थितियों का आकलन भी करें। मैं इसी के साथ आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का और माननीय स्टेज पे मेरे जो भी अतिथिगण बैठे हैं सबका सत्कार करता हूं। धन्यवाद। हमारे होम और हेल्थ केयर मिनिस्टर आदम के जी जो हमें बहुत मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। हर आदमी कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, तो आदमी अमित साहब से सीखे। मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। हमारे संघ के राम प्रचारक श्री विजय कुमार जी, मैं इनको भी नमन करता हूँ। उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे विभाग के भी संघ संचालक श्री रमाकांत भारद्वाज जी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर है, मैं इनको भी नमन करता हूँ। परमादरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, सुशांत सिन्हा जी और मेरे साथ संत शर्मा जी, सभी को जो मंच पर आसीन हमारे जो आज के बहुत से हमारे पत्रकार बंधु हुए हरियाणा से आए हुए, मैं सबको इनको बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारी पंचकूला की जो देवभूमि है, माता मनसा देवी, माता चंडी माता, काली माता जो हमारी देवी भूमि है, और पांच स्कूल जहाँ पर बात करती है, उसमें आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो आज हमारा विश्व प्रयास केंद्र जो बना हुआ है, नारद जयंती मनाने का बहुत बड़ा आगे, जब भी हम पिछले साल भी हमारे श्री भूपेंद्र यादव जी जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, वो जयंती में इसी हॉल के अंदर आए थे। बहुत बड़ा इसका अभिप्राय है कि किस तरीके से जो हमारे पत्रकार साथी आजकल जो पहले तो बिना अखबारों का जमाना होता था, अब तो चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी के माध्यम से है, यूट्यूब के माध्यम से है, जगह जगह से हमारे पत्रकार बंधु दिन रात किस तरीके से जो सारे, चाहे वो शहर की खबर है, चाहे देश की है, चाहे प्रांत की है,
तब आप लोगों के बीच में जो पहुंचाते हैं पूरा दिन रात देख करके जो पत्रकार बंधन काम करते हैं, मैं इनको तो बहुत मुश्किल काम है, हर जगह पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि ये आजकल जो जमाना है वो सारे का सारा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये देश किस तरफ जा रहा है, हमारे आदमी प्रधानमंत्री जो जिन्हें 9 साल की सरकारें की हैं वो किस तरीके से प्रचार और प्रसारित किए जाते हैं, वो आप सबकी देन है। और जो जो हमारा न्यास है, ये लोग हुए उनको किस तरीके से सम्मानित करते हैं, ये तो चुनकर जूरी बनाकर पिछले साल भी हमने देखा कि किस तरीके से सब को सम्मानित किया जाता है। आप सब लोग इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहिए, ताकि जो हमारा विश्व प्रयास केंद्र है वो आपको इस हर तरह से सहायता भी करता है और सबका सम्मान भी करता है। मैं पुण्य आज के मुख्य अतिथि हमारे संघ के सारे पदाधिकारियों का और जो हमारे डॉक्टर सूरज सिंह जी, सुशांत सिन्हा जी, जो हमारे आज की बहुत जिनके हमें प्रचार सुनने को मिलेंगे, मैं क्योंकि ज्यादा समय ना लेता हुआ पंचकूला की तरफ से आप सबका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अन्य महानुभाव सभागार में उपस्थित बंधुओं, इस कार्यक्रम का आरंभ हमने दीपक जलाकर किया। दीपक का धर्म होता है एकर उजाला का, ये दीपक का धर्म होता है। और मैं समझता हूं लोकतंत्र में पत्रकारिता यही धर्म होता है कि झूठ के अंधेरे को मिटाकर ऊपर तक सच्चाई का उजाला बन जाना, यही पत्र का। और तो सरकार का कोई अधिकारी जाकर उस पेज को देखता
और कहता था ये खबर उठा दो ये खबर उठा दो, तो वो ऐसी छपता था अखबार, कई बार तो मुख्य पेज खाली छपता था, ऊपर टाइटल छपता था और नीचे छपता था। लेकिन पत्रकारों ने उस युग में भी, पत्रकारिता ने उस युग में भी अपने दायित्व को निभाया। और मैं तो जानता हूं, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, कि ये समाचार पत्र दर्पण छपता था, जो कुछ अखबारों में नहीं आ पाता था, जो खबरें उठाई जाती थी वो खबरें दर्पण के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाया करती थी, और हम उस समाचार पत्र को बांटने का काम किया। चौथा स्तंभ बताया गया, अभी भी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिसमें कहा गया कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो है और उसकी भूमिका है, और अपनी भूमिका निभाते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया। मित्रों, आज हम एक ऐसे युग के साक्षी बन रहे हैं जिसमें भारत बदल, आज पहली बार हमें कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात की। आज से पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात नहीं की, और सारे प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं कि विकसित भारत का निर्माण किया जाए। 2047 तक, 1947 में हमें आजादी मिली थी और उसकी 100 वर्ष, बहुत सारे देश हमारे से बात आजाद हुए, लेकिन वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए। हम अभी तक विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में हैं। अभी बहुत कुछ हमने मुहैया करवाना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस युग के साक्षी बन रहे हैं, जब भारत बदल रहा है, जब विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की ये दौड़ में जा रहा है, और मोदी जी की बात पर सब सारे देश को विश्वास भी है, भरोसा भी है, क्योंकि हमने जो कहा हमने वो करके भी दिखाया। हम शुरू से कहा करते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हम कहते थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान भी दिया, और मैं तो जानता हूं कि हमारी पार्टी की बीच में धारा 370 से शुरू होती थी और धारा 370 वाली खत्म हो जाती थी, कि हम कहते थे कि हम धारा 370 खत्म करेंगे, और जब समय आया, जब संख्या बल लोगों ने हमारा पूरा किया, तो एक झटके में धारा 370 को खत्म किया, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और धारा 370 को खत्म किया है, तो आज कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। आज G20 का सम्मेलन कश्मीर में हुआ है, आज दूर दूर के लगभग 60 राष्ट्रीय के लोगों ने आगे कश्मीर में सम्मेलन किया। आज जो पाकिस्तान प्रपोगंडा करता था कि कश्मीर डिस्टर्ब है, आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा, आज उन्होंने जाकर अपने अपने देशों में उन्होंने जो वहां पर हालात देखे हैं वो जाकर बताएंगे कि कश्मीर को पूरी तरह से बदल गया, कश्मीर पूरी तरह से शांति है, और हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि आज कश्मीर में भी हिंदुस्तान का संविधान लागू होता है, कश्मीर में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को माना जाता है, और ये करके दिखाया है मोदी जी ने। हम राम मंदिर के लिए बहुत देर से लड़ रहे कि राम मंदिर, बहुत लोगों ने उसके लिए बलिदान दिए, और हम कहते थे जहां हम कहते थे कि हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, वैसे तो राम जी के
सैकड़ों हजारों करोड़ों मंदिर होंगे, लेकिन जो जनक स्थान का मंदिर था वो मंदिर नहीं था। हमारे देश पर अनेकों वर्ष पर आस्थाइयों के हमले होते रहे और उन्होंने हमारे आस्था के हमारे धार्मिक स्थानों को तहस नहस किया। ऐसे ही राम जन्मभूमि एक मंदिर को भी तहस नहस किया गया। हमने भी कई प्रकार के आंदोलन चलाए, मैं भी खुद भी मैं दोनों बार वहां पर गया। पहली बार मैं 19 जेल में रहा और दूसरी बार वो जो ढांचा था उसके टूटने का मैं साक्षी हूँ। मैंने मेरी आंखों के सामने वो धराशायी हुआ और हम कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन के कारण आज वहां पर राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा, आज वहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा और जल्दी ही वहां पर मूर्तियों की प्रमाण प्रतिष्ठा की जाएगी और वहां पर हमें अवसर मिलेगा कि हम और भी गरीब कल्याण के मोदी होकर पहली बार भाषण देने गया कोई व्यक्ति और उसने लाल किले से खड़े होकर कहा स्वच्छता की बात, लोगों के घरों में शौचालय बनाने की बात की। पहली बार काल के बाद 1947 में किसी प्रधानमंत्री ने कही होगी तो आज हमारे देश में अमेरिका और इंग्लैंड बना होता, लेकिन 70 साल तक वो हमें लॉलीपॉप देकर ये सच्चे नारे देकर देश की राजनीति देश की मुख्य समस्याओं की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कभी किसी ने कहा गरीबी हटाओ और 3-4 चुनाव उसी के बीच में, अरे गरीबी हट गई क्या हट गई गरीबी? अगर गरीबी हट गई होती तो कोविड में 80 करोड़ लोगों को जो मोदी जी ने मुफ्त अनाज बांटा उसकी आवश्यकता, लोग सक्षम होते, लेकिन नहीं हटी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया है, शौचालय बनाने की तरफ ध्यान दिया है। पहली बार किसी ने रसोई में घुसकर वहां पर मां बहनों की आंखें खराब कर दो और वो चूल्हा जला जला कर उनकी आंखें नहीं करती थी, अरे इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी पहली बार ध्यान देने के लिए कोई प्रधानमंत्री आया, उसके मुताबिक योजना चलाई, जनधन खाते खुलवाए, उज्ज्वला योजना चलाई, कई प्रकार के आयुष्मान कार्ड। आज कहता है रोटी दे दो दाम दे दो, ऐसे ऐसे और हरियाणा में मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐसी ही सरकार चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल जी सुबह से लेकर शाम तक मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे, मैं 6 बार का विधायक हूँ, 6 बार का मैंने जितने मुख्यमंत्री बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री मैंने आज तक देखा जो सुबह उठता है और रात तक लोगों के बारे में सोचता, लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है और सारा सिस्टम बदलने का जिसने प्रयत्न और प्रयास किया, अनेकों संस्थित डिजिटलाइज कर पारदर्शिता लाई। पहले यहाँ पर रोगियों के बाजार बना, तबादलों की मंडियां सजा करती, उन सबको उखाड़ सकते हैं मुख्यमंत्री और सारे सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम। मेरे पास भी 2 मंत्रालय है, दोनों में मैं भी कोशिश करता हूँ। पुलिस में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने डायल 112 व्यवस्था शुरू की है कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो तो 112 डायल करे। मैंने 600 गाड़ियां सारे प्रदेश में डाली, इनोवा गाड़ियां मैंने डाली और आज अगर कोई 112 पर डायल करता है तो 8 मिनट में एवरेज टाइम 8 मिनट में उसके पास मेरी पुलिस पहुंचती है। तो बताओ क्या